हाँ जी बेटा, वार्तक भाग का अपना थर्ड चैप्टर लाला बिहारी लालपुरी, ठीक है, जिन्हों का 1830 जन्म होया 1885 अकाल चलाना कर गए से, उन्होंने बारे पढ़ा आप। ठीक है, उन्होंने दो लेख लिखे ने, एक हैगा समय का अर्क, अर्क की होंगे बेटा समय की कदर, अर्ग होंगे कदर करनी, तो एक हैगा बड़िया का आदर करना। दो लेख लिखे ने, उन्होंने बारे आप अज पढ़ा। ठीक है, लाला बिहारी लालपुरी के लेख समय का अर्ग का सार अपने शब्दों में लिखो। लाला बिहारी लालपुरी ने इस लेख में समय की महत्ता समझाया है भी सानू समय की किस तरह कदर करनी चाहिए है। एक बारी एक साधु ने किसी शहर के बाहर बहुत सारिया मड़िया बनिया वेखिया। ठीक है, उसने समझा कि यह शायद सिद्धां दीयां समाधां हन, मड़ियां समाधां। ठीक है, इसलिए मत्था टेकन के इरादे नाल वह उत्थे चला गया। उदों जदों उसने समाधां देखियां तां समाधां ते लिखी प्राणियों की उम्र देख के वह बहुत हैरान होया। जिथे जिथे वह समाधा बनिया हुई सी उन्होंने उपर वह जिहड़े जिहड़े इंसान उत्थे दबाया हुआ सीगा उन्होंने उपर उन्होंने उम्र लिखी हुई सी किन्नी किन्नी उम्र दे इह मरे ने, क्योंकि किसी भी समाध ते उम्र 5 सालों तो ज़्यादा नहीं सी। उसके मन में यह चिंता उपजी कि इत्थे इन्नी छोटी उम्र में ही प्राणी संसार तो कूच कर जाते हैं। अपनी इस शंका नूं दूर करने लई ओह शहर के अंदर गया। उसने उत्थे एक बहुत वड्डी उम्र वाले व्यक्ति नूं देखिया। देख के किसी ने पूछा कि नगर विच बड्डियां दे अंतिम संस्कार लई कोई वक्री जगह बना रखी है। फिर उसने सारा अखी डिठा दृश्य बयान के पूछा कि उन्हां दे नगर विच प्राणी इन्ने घट उम्र वाले ही हुंदे हन। उस व्यक्ति ने उत्तर दिता कि प्राणी तां बहुत वड्डी वड्डी उम्र वाले हुंदे हन, पर इत्थे किसी प्राणी की उम्र उन्नी ही समझी जाती है जिन्नी वह प्रभु भजन विच जां परोपकार विच बतीत करता है। इस नगर का हर व्यक्ति अपने शुभ कर्मों का हिसाब किताब रखता है, मतलब जिन्ना चिर उन्होंने चंगे कर्म करे ने परमात्मा का नाम सिमरन करे सिर्फ उन्होंने असल उम्र उ पहचानी जाती है। उसी हिसाब न उसकी समाध से उसकी उम्र लिख दी जाती है, क्योंकि जोड़ा समा उसने शुभ मार्ग से नहीं लाया वह गुआ लिया है। इसलिए मनुख नूं चाहिंदा है कि समय नूं बहुत कीमती जान के उसकी वरतों करे। शुभ उद्देश लई जीवन बिताउणा ही मनुख लई सार्थक है। पुन अवस्था नूं पहुंचण लई मनुख नूं हर वेले उद्यम करते रहना चाहिंदा है, भाव मेहनत करते रहना चाहिंदा है। इसलिए सानूं यतन करते रहना चाहिंदा कि असीं हर पल हर घड़ी हर दिन हर साते अजिहा यतन करिए कि साडा समां व्यर्थ ना जावे। हुण जिहड़ियां मड़ियां दे उपर समाधां दे उपर उम्र लिखी हुई सी ना वी 5 साल, वह यह नहीं सी वी 5 साल दे उम्र दा बच्चा कोई मर गया जां 5 साल दी उम्र वाले, उन्होंने यह लिखा हुआ सीगा वी जिन्नी कु उम्र दे चंगे कर्म करने उन्होंने परमात्मा दा नाम सिमरन करिया, ठीक है, चंगे पासे उन्होंने अपना समा लगाया, वह उन्होंने उन्नी उन्नी उम्र लिखी गई सी। निकम्मियां नाल रह के जां नकारा कम करके समा बर्बाद ना करिए। प्रभु की भगति अते सत्संग विच समा बिता के ही असीं अपना लोक ते पुरलोक सुधार सकते हाँ। नैक्सट है वड्डियां दा आदर। वड्डियां दा आदर मूहों मिठा बोलना स्नेह अते हित नाल वरतन दा नां आदर है। इस आदर दे करन ते सब तां सब दा माण हुंदा है। जदों कोई अपने तो वड्डा मिले तां सानू सिर झुका के हथ जोड़ के उसनू मत्था टेकना जां पैरी पैना कहना चाहिंदा है, मतलब वड्डियां दा सानू आदर सतिकार करना चाहिंदा है। सानू उस दे अगे नहीं सगों मगर तुरना चाहिंदा है। जे अगे लंघना ही पै जाए तो आग्या लैनी चाहिए है। उसके सामने खिड़खिड़ा के नहीं हसना चाहिए, ना ही निर्लज मतलब शर्म वाले बिना शर्म वाले कठोर बाणी बोलनी चाहिए है। वड्डे कई प्रकार के होंगे, साको वड्डे मतलब रिश्ते तो वड्डे, उम्र तो वड्डे, विद्या विच वड्डे, गुण विच वड्डे अते पदवी विच वड्डे, 5 प्रकार के वड्डे मने गए ने। जो जिन्हें भी बड़े हैं सारिया का आदर करना चाहिए है। आदर करना चंगिया का कर्म है, होरना का धर्म है। मनु जी कहते हैं कि सानू गुरु माता पिता अते वड्डे भरा का हमेशा आदर करना चाहिए है, भावें वह दुखी क्यों ना देन। सानू संसार विच सब का आदर करना चाहिए है। समय के अर्ग तो की भाव है, भाव समय की कदर तो की भाव है। लेख किस समय में सार्थक मानता है। समय के अर्ग तो भाव है समय की कदर करना। लेखक अनुसार उही समा सार्थक है जिहड़ा मनुख प्रभु भगति विच लगाउंदा है जां परोपकार विच लगाउंदा है, भाव दूजियां दा भला करदा है। दूजे शब्दां विच जिन्ना समा मनुख शुभ उद्देशां उत्ते खर्च करदा है उही समा सार्थक हुंदा है, मतलब चंगा मन्निया जांदा है।
पुन अवस्था पार करते समय असी चिरंजीव किवें हो सकते हाँ, सदा लई अमर किवें हो सकते हाँ। पुन अवस्था पार करते हुए सानू हर पल हर कड़ी हर दिन हर समय यही यत्न करते रहना चाहिए है, साडा समा व्यर्थ ना जाए। इसी तरह जे असी शुभ उद्देशा उद्देश दे लई समा लगाते हाँ तो असी चिरंजीव हो सकते हाँ, भाव सदा लई अमर हो सकते हाँ। पाठ विच केड़े केड़े व्यक्तियों नू वड्डे मन्या गया है, पाठ विच पांच प्रकार के वड्डे मन्ने गए ने, साक विच वड्डे, उमर विच, विद्या विच, ते गुणा विच, ते पदवी विच वड्डे। सारे साडे उमर दे सारे ने जिहड़े इह पांच प्रकार के पाठ दे विच वड्डे मन्ने गए ने, कि गुणा के पक्षों वड्डे ने। वड्डियां दा आदर किवें करना चाहिंदा है, वड्डे वडेरे साडे सत्कारयोग हुंदे हन, वड्डियां अगे हथ जोड़ के सीस झुका के वंदना करनी चाहिए है, उन्हां तों अगे वध के नहीं तुरना चाहिंदा, उन्हां दे सामने उची उची हसना नहीं चाहिंदा, बेशर्मी निर्लज बोल अते कठोर शब्दों की वरतों नहीं करनी चाहिए। नैक्सट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर ने, वार्तक लेख समय के अर्क अते वड्डियां दा आदर किसका लेख लिखा है, लाला बिहारी लालपुरी का। साधु ने किसी देश दे नगर दे बाहर एक वलगण दे अंदर की देखिया, बहुत सारिया मड़िया देखिया सी जिन्हां दे उपर उन्हां दी उम्र भी लिखी हुई सी। महात्मा स्वर्गवासी लोगों दीआं समाधां उत्ते मत्था टेकण दा विचार किसने मन विच आया, साधु दे मन दे विच आया। सानू किस वक्त अजिहा काम करना चाहिए जिस नाल साडा समा नष्ट ना होवे, हर सां हर पली हर पल ते हर कड़ी। साडा समय जदों शुभ उद्देश विच लगेगा तां की होवेगा, असी चिरजीव हो जावांगे, अमर हो जावांगे। ईश्वर की आराधना नाम की महिमा अते सत्संग करना की हुंदा है, परलोक सुधरदा है। मिठा बोलना स्नेह अते हित नाल वर्तन नू की कहिंदे हन, आदर, मतलब सारे नाल आदर भाव सत्कार दे नाल पेश आना चाहिए है। किसी दे अगे वध के तुरना नहीं चाहिए अपने तो वड्डियां दे अगे, किसी दे अगे निर्लज बाणी जां कठोर गलबात नहीं करनी चाहिए अपने तो वड्डे। आदर करना किसका कर्म है, चंगियां दा। इस जगत विच किसका आदर करना चाहिए है, सारियां दा।